नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार गेहूं की आवक जोरों पर है। लेकिन गेहूं की आवक तो हो रही है, लेकिन भाव को लेकर जब बातचीत की जा रही है तो किस तरह के भाव मंडी के अंदर है और कितनी आवक जो है मंडी के अंदर प्रतिदिन आ रही है। हमारे साथ में यहाँ के जो व्यापारी है, मिलर भी है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह मंडी के अंदर ये गेहूं की आवक हो रही है और क्या भाव किसानों को मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मनोज गोयल नाम है, डीजी इंडस्ट्रीज हमारी फर्म है। सर, अभी कितनी गेहूं की आवक हो रही है? देखिए, करीबन 6-7 हजार बैग्स की अराइवल है अलवर मंडी में, अगर अपन लोकल मंडी की बात करें तो। क्या भाव जी? करीबन 2300 से लेके 2250 रुपए का भाव है इसका, लूज में जो किसान है माना। तो अभी कहाँ से क्या हुआ रहा है अपने पास मंडी में? ये लोकल क्षेत्र का है सारा, यहीं के आसपास के क्षेत्र पे से ही सारा गेहूं आ रहा है, तो यही लोकल ही माल है। अभी समर्थन मूल्य की अगर अपन बात करें, एमएसपी की बात करें, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समर्थन मूल्य से तो अभी ऊंची बिक्री है मंडियां, अभी अगर सरकार कुछ बोनस दे देती है तो फिर अलग बात है, अदरवाइज तो कुछ ऊंचा ही बिक रहा है माल, मतलब कम नहीं बिक रहा। शुरुआती दौर है तो इसलिए अभी धीरे धीरे प्रेशर बन भी रहा है, अभी तो शुरू ही हुई है फसल आने, तो ये करीबन जो 5-6 हजार कट्टे हैं, ये मेरे ख्याल से 10-15 हजार कट्टे डेली की आवक बननी चाहिए। अभी देश और प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए गेहूं की, तो कितना उत्पादन हो रहा है और कितना स्टॉक जो मंडी के अंदर आ रहा है, कर रहे हैं आप लोग? देखिये, लोकल अलवर मंडी की बात करें तो उत्पादन करीबन यहाँ पर जो खपत है वो करीबन 10 हजार बैग्स की डेली की हो जाती है अलवर क्षेत्र की बात करें तो। लेकिन अभी जो अराइवल है वो 5-6 हजार कट्टे की है, तो बाहर के भी इधर उधर से भी आते हैं। तो अभी जो सरकारी खरीद है वो शुरू नहीं हो पाई मंडी में, क्या कारण रहा? उसका कारण एक ही है जी, डिफरेंस है। अगर किसान को ये 2300-2300 लोकली बिक रहा है तो उसकी वजह से किसान सरकार को देने में इच्छुक नहीं है, लोकल मंडी में माल आ रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई और किसान देने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन व्यापारी के यहाँ लगातार गेहूं लेकर आ रहे हैं? अगर यहाँ पर अराइवल इसी तरीके से बढ़ती है और 2200-2250 रुपए का भाव यहाँ रह जाता है अलवर मंडी में, तो फिर किसान का रुझान सरकार की तरफ बन जाएगा। और वैसे वो भी मुश्किल लगता है क्योंकि डिमांड अच्छी है गेहूँ की, और इस साल सबके स्टॉक में कहीं माल है नहीं, तो लगता है कि हाँ बाजार ठीक ही रहेगा। तो किस तरह से व्यापारी जो मिलर है, आप खुद स्वयं मिलर नहीं है, किस तरह स्टॉक किया जा रहा है गेहूं का? नहीं, अभी स्टॉक में तो नहीं जा रहा है, अभी तो सब रेडी टू यूज ही हो रहा है, सब खपत जा रही है, स्टॉक अभी लोगों ने नहीं लगाया है। तो यहाँ का जो गेहूं है जी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिलों में जा रहा है? सब लोकल करीबन यहाँ पर 15-20 मिले हैं अलवर सिटी में के आसपास ही, जो औद्योगिक क्षेत्र वगैरह में है, तो वहीं पर ही सब मिल वाले ही ले रहे हैं। अभी कोई स्टॉक में या गोडाउन में या प्राइवेट होल्डिंग में नहीं जा रहा है। तो अगर गेहूं की क्वालिटी की बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी? ये पिछले साल से बहुत अच्छी क्वालिटी है, इनफैक्ट 2 साल में सबसे बढ़िया क्वालिटी इस साल आई है, और अच्छा इसका यील्ड भी अच्छा बैठ रहा है, मतलब आटा जैसे बोलते हैं ना, फाइनल प्रोडक्शन जो है वो अच्छा बैठ रहा है। पिछली साल गेहूं की जब आवक हुई थी तो क्या भाव रहे थे और अब कितना भाव है और क्या डिफरेंट नजर आ रहा है? देखिए, लास्ट ईयर तो क्वालिटी बहुत हल्की थी, इस साल तो फिर भी बाजार अच्छे चल रहे हैं। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 2050-2100 रुपए करीब का भाव था, और जो इस साल 2300 रुपए करीब का। तो अभी जैसे मंडी के अंदर गेहूं आ रहा है, और भी कौन कौन सी फसलें आ रही है? देखिए, सरसों है, चना है, गेहूं है, तो अभी तो जो ये इन दिनों की फसलें हैं यही आ रही है, जिसमें से भी अब ये गेहूं पे थोड़ा जोर ज्यादा है, जौ भी लगभग आके निबटनी है, ज्यादा जौ आ नहीं रहा है, और सरसों की भी किसानी आमद कम हो गई है पहले के मुकाबले। चना तो इस साल प्रोडक्शन ही ऐसा लग रहा है कि उत्पादन ही कम है, तो इतना देखने को नहीं मिलता है। अभी जो गेहूं वहां से आ रहा है उसमें किसी तरह का कोई मॉइस्चर वगैरह इस तरह की कोई शिकायत? देखिए, नम की बहुत कम मात्रा है, अभी ज्यादातर माल सूखा आ रहा है, और अगर देखें तो कुछ ही ऐसे किसानी माल आते हैं जिनमें 15-12-13 मॉइस्चर, अदरवाइज 9-10 मॉइस्चर का माल आ रहा है, जो कि सूखा है। कुल मिलाकर प्रोडक्शन जो ये इस साल की फसल है वो काफी बेहतर है। अभी अगर अपन केंद्र सरकार की बात की जाए, अभी आगामी अब चुनाव भी है, तो आप क्या मानते हैं कि चुनाव के बाद में गेहूं
के जो दाम है उसमें बढ़ोतरी कुछ नजर? देखिए, गेहूं के दामों के बढ़ोतरी घटोतरी की बात ऐसी है कि ये सारा सरकार पे निर्भरता है, सरकार के हाथ की चीज है। अगर सरकार नियमित रूप से इस पे ध्यान देगी तो तेजी नहीं आएगी, अदरवाइज जो हालात देखने को मिल रहे हैं तो लगता है कि इसमें दाम बढ़ने चाहिए। तो अभी जैसे एफसीआई की और इस तरह की गोदामों की अगर अपन बात करते हैं, तो इस तरह से सरकार का भी ये रहता है हर बार कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टॉक किया जाए गेहूं का, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो लेना चाहेगी गेहूं, क्योंकि केंद्रीय पूल में कम है माल और इनको पूरे साल के लिए बफर स्टॉक रखना पड़ता है, तो सरकार तो चाहती है लेना, पर उसके लिए फिर या तो रेडी मार्केट में कुछ मंदा है जो किसान का रुझान बने, वो है नहीं, उल्टा मंडियां तेज है। अभी सरकारी कांटे यहाँ अलवर प्याज मंडी में लगे हुए हैं, तो ना तो सरसों तुल रही है वहाँ, ना चना तुल रहा है, ना जौ तुल रहे हैं, ना गेहूं तुल रहा है, तो वो जैसा है वैसा ही कांटा लगा हुआ है। लेकिन किसान जाएगा क्यों, जब उसको मंडी में ऊंचे दाम मिलेंगे, रेडी पेमेंट मिल जाती है, तो वो किसान रुझान वहां नहीं जाएगा। जैसा कि देखने में आता है कि हर बार जब किसान अपनी खेतों से फसल काटता है और सीधा व्यापारी के यहाँ लेकर आता है, लेकिन मंडी में जैसे अभी गेहूं की खरीद के लिए कांटे भी लगाए गए हैं, वहां केंद्र भी खोला गया है, लेकिन उस तरफ क्या है कि किसानों का रुझान नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं सर आप? सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये केवल सारे दाम जो मिल रहे हैं इनको किसान को या मंडी में, वो ऊंचे मिल रहे हैं और इसी कारण से वो गवर्नमेंट के उधर नहीं जाते। अब रही बात गेहूं लेने की, तो सरकार को अगर गेहूं लेना है तो या तो वो सख्ती करेगी कि ट्रेडर्स के ऊपर कि आप होर्डिंग नहीं कर सकते, आप स्टॉक नहीं कर सकते, या कुछ ना कुछ इस तरह का नियम लाएगी कि जिसके कारण से किसान मजबूर, या यहाँ बाजार को मंदा करना है तो ये सरकार को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अर्जेंट, अदरवाइज कोई सवाल ही नहीं है कि सरकार के पास गेहूं जाने का लगने। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी थे, उन्होंने हमको पूरा गेहूं के बारे में पूरी चर्चा के साथ में उन्होंने बताया।